आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हरियाणा न्यूज 24, आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं चंदेनी गांव में, और यह बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अधीन गांव आता है। और यहां पे कबड्डी प्रतियोगिता की जा रही है लड़कियों की। यहां पे नन्या चौटाला पहुंची हैं मुख्य अतिथि के रूप में यहां, और यहां रिबन काट के यहाँ उद्घाटन करेंगी, और यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता और गाँव के लोग हैं और गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा यहाँ भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है नन्या चौटाला द्वारा। और शाल उड़ाकर प्रोग्राम कर रहे हैं, आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं नन्या चौटाला किस तरीके से यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पे एक नहीं, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं नन्या चौटाला के लिए। और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है नन्या चौटाला का, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है नन्या चौटाला का। और यहाँ पे नन्या चौटाला यहाँ पे कुछ ही देर में यहाँ आएंगी, और यहाँ पे रिबन काट के यहाँ पे मैचों का उद्घाटन करेंगे। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ उद्घाटन कर रही हैं मैचों का, और रिबन काट के ये और तालियां बजा करके ये रिबन काट के नन्या चौटाला उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे बेटियों का मान सम्मान भी कर रही हैं साथ साथ, तो नन्या चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारे नन्या चौटाला से मिलवाएंगे उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया। हमारे साथ यहाँ चंदेनी गाँव में नन्या चौटाला मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, आपका हरियाणा न्यूज 24 बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आज बाड़ा पहुंचे हैं, तो सबसे पहले हम एक बात जानना है, विपक्ष वाले बोल रहे थे बनने के बाद यहाँ आप नहीं पहुंचेंगी, उसके बाद आपके पास पीसीआर गाड़ी कमांडो आगे पीछे होंगे, आप लोगों से नहीं मिलेंगी, परंतु वो बात तो कहीं ना कहीं उनकी दिख नहीं रही। आप पहले घूमती थी, उस तरीके से घूम रहे हो, तो उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं? मैं ऐसे ही लोगों के बीच में इनको घूमती मिलूंगी, ये गाड़ी कमांडो कमुंडो ये हमारा कल्चर नहीं है ऐसा। हम तो जैसे थे वोट मांगने आई थी, वैसे ही मैं 5 साल इन लोगों के बीच में रहूंगी। और बात विपक्ष ने, तो देखो कुछ ना कुछ तो करना है, अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो फिर अपन काम कैसे करेंगे। तो मैं कहती हूँ जितना वो बोलेंगे उतना हमें फायदा है। मैम एक बात और जानना चाहूँगा, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप महीने में कितना या हफ्ते में कितना दिन तय कर रही हैं उनके लिए, क्यों लोग सब चाहते हैं आप यहाँ रहें, लोग तरह की बातें आ रही हैं आप यहाँ के, आपका मकान बनवा दिया जाएगा, हमारे पास 24 घंटे यहाँ पे रहें, तो आप किस तरीके से कितना समय देंगे? देखो मैं, आप एक बार है ना मुझे परख लो, ये खुद ही कहने लग जाएंगे भी इतना ना हो जी, मैं इन्हीं के बीच हूँ, इन्होंने मुझे जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है, मैं इनकी प्रतिनिधि हूँ, मैं इनके बीच में रह के, अब इन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब मेरा फर्ज है वो मैं इनको करके दिखाऊंगी, और इनके बीच में रह के इनके काम करूँगी। लोगों के तो काम होने चाहिए, चाहे आप हफ्ते में एक दिन आओ चाहे रोज यहाँ रहो, लोगों को काम से मतलब होता है, क्योंकि बहुत उम्मीद होती है एक एमएलए से लोगों को। जब इनके काम होंगे तो अपने आप ये बोल के कहने लग जाएंगे भी हमारा एमएलए हमारे बीच में, आज तो शुरुआत है। मैम एक बात और जानना चाहूँगा, डिप्टी सी एम महेंद्र सिंह चौटाला, उनके पास 9 पद हैं, आप यहाँ एमएलए हैं, तो काफ़ी वर्षों से जो बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो चीज़ होनी चाहिए थी, लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक अभी उपलब्ध नहीं है, बड़े बड़े गांव में छोटे छोटे समस्याओं को लिए तरस रहे हैं, तो किस तरीके से उनको हैंडल कर पाएंगे? आप पंचायत विभाग है, सबसे अहम विभाग है, कराधान विभाग है, पूर्ण निर्वास विभाग आपके पास, और भी कई समस्याएं, उनको किस तरीके से आप इन समस्याओं को कितने दिन में सोल्व कर पाएंगे? देखो दुष्यंत के पास मुझे लगता है 9 या 11 विभाग आए हैं, बाकी सरकार दोनों की सांझी है, जेजेपी और बीजेपी की, तो किसी काम की मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है मैं कमी आने नहीं दूंगी। बाड़ा को मैंने बहुत पास से देखा है, मैं 2-2 बार पूरे हल्का मैंने कवर किया है, और गाँव की अगर मैं मेन समस्या देखूँ तो मुझे लगता है सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, गलियों की है, बाकी जितने भी पंचायत के काम है वो सारे लोगों को करके दिखाएंगे। पहले बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा, काम करके दिखाएंगे इनको। मैम यहाँ पहुंची है चंदेनी गांव में, तो किस तरीके का आपको यहाँ रिस्पांस मिला? यहाँ 50 वर्षों से लगभग यहाँ प्रतियोगिता की जा रही है लड़कियों की ओपन कबड्डी की, तो यहाँ पहुंची हैं, तो आपने आज क्या घोषणा की उनके लिए, और आगे भविष्य में ये क्या अपेक्षा रखें आपसे? देखो आज 49वां
इनका ये जो शहीदी दिवस मना के और ये कबड्डी का जो मैच हो रहा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि शहीदों को हम इस तरीके से याद कर रहे हैं। एक उनको याद करने का जरिया ढूंढना भी मतलब ये खेल के जरिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा बच्चों की जो सुविधाओं की बात है, इन्होंने मैट की बात की है तो 2 सेट ये कह रहे हैं तो इनको 2 सेट मैट दिलवाएंगे, बाकी 11 लाख रुपये मैंने दिए इनको हॉल बनवाने के लिए तो ये हॉल बनवा लेंगे। बाकी मुझे लगता है खिलाड़ियों के लिए कभी कोई कमी नहीं आएगी हमारी तरफ से। मैम इतना बिजी शेड्यूल है, यहाँ से विदाई की, इतना लंबा आना पड़ता है, इतना कीमती समय ऐसे कैसे आप मैनेज कर पाती हैं? मतलब आप यहाँ कोई छोटा सा कार्यकर्ता फोन करता है, आप तुरंत दौड़ी चली आती है, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रह के काम करना ये जरूरी है और ये कोई छोटी छोटी बातें ये कोई मतलब मैं तो ज्यादा है ना मुझे मतलब मैं क्यों प्रेस लोकल नेता हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, नहीं मिल पाए और आप रेगुलर यहाँ रह रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखो जो पहुंचेगा वो दोबारा विधानसभा पहुंचेगा, जो नहीं पहुंचे वो घर में बैठ के, मैं इनके बीच में रहूंगी 5 साल तो ये मुझे दोबारा मौका देंगे, अगर मैं भी VIP बन के घर बैठूंगी तो ये भी मुझे घर का रास्ता दिखा देंगे। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ यहाँ नैना चौटाला मौजूद थी, इन्होंने बिल्कुल बेबाकी तरीके से कहा है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे, यहाँ लोगों की सेवा करेंगे, 5 साल लोगों ने मुझे जिता के भेजा है, मुझ पर आस्था जताई है, इनके आशाओं पर कहीं ना कहीं मैं वो खरा उतरने का काम करूंगी, अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो दुष्यंत से बोल के उन कार्यों को हम जल्दी जल्दी पूरा करवाएंगे। हमारे साथ चंदेनी गांव के कुछ कमेटी सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या नाम है। राजेश चंदेनी गांव से। हाँ जी, हाँ जी। तो पंच हैं हम फिलहाल पंचायत के, तो यहाँ पे कितने वर्ष से प्रतियोगिता करवाई जा रही है, किस नाम से या किसने शुरू की? ये 71 से जारी है जी, 79वीं बार शहीदों की याद में, शहीदों की याद में। तो लगातार जब से प्रतियोगिता जारी है? जारी है जी कंटिन्यू लगातार 49 साल से, और ये सब भाई गांव के जितने भी सदस्य हैं बाहर हमारे नौकरी पेशा हैं सब इसमें सहयोग देते हैं जिससे हम इसको हर साल आगे ले जाते हैं। तो पहले प्रतियोगिता जो होती थी और अब प्रतियोगिता होती है, क्या फर्क होंगे? फर्क पहले मिट्टी के ग्राउंड पर थी, आज ये मैट के ऊपर है, ये समय का जो तगाजा है और जो इनाम की बढ़ोतरी हमने कटोरी दे के सम्मानित करा, स्टार्टिंग हमारी कटोरी थी और आज हम 31,000 और 21,000 से सम्मानित करेंगे बच्चों को, ये आज का फर्क है। अच्छा नैना चौटाला आई यहाँ पे, तो पहले भी यहाँ आपके नेता वगैरह आते रहते होंगे, तो क्या नैना चौटाला से कितना आपको कोऑपरेट मिला और जो विधायक पीछे रहे हैं उनसे क्या कुछ कोऑपरेट मिल पाया, इस तरीके की प्रतियोगिता होती है जब आप? देखो जब जब भी हमारे पहले सतपाल सांगवान जी थे वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, उससे पहले भी जो विधायक थे हमने जो मांगा अब तक हमें किसी ने मना नहीं किया, और आज नैना चौटाला ने तो ये लगाओ 11 लाख रुपये देकर खेल कमेटी का तो बहुत बहुत सम्मान किया है और हम उसको धन्यवाद देते हैं इसके लिए। आप बताइए अभी यहाँ तिलक राज पंत संदेणी से ही आप यहाँ ये कार्य संभाल रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्था होती है, कैसे टैकल कर पाते हो? दूर दराज से यहाँ लड़कियाँ आती हैं और लड़कियाँ जहाँ होती हैं वहाँ थोड़ा सा हम सिक्योरिटी थोड़ी सी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, दूर दराज से किस तरीके से? देखो जी सबसे बड़ी बात हमारे गाँव में ये है कि यहाँ पार्टीबाजी नहीं है बिल्कुल भी, सब मिलजुल के रहते हैं, सारा गाँव कोऑपरेट करता है। शहीदों की याद में लंबा टाइम से 49वीं साल चल रही है तो यहाँ कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, गांव सारा कोऑपरेट करता है इसलिए हमें दिक्कत नहीं आती, कोई भी खाने का पीने का सारा प्रबंध करते हैं, हमारे पंचायत घर है, स्कूल है, वहाँ ठहरने की व्यवस्था है, बिस्तर सारी चीज़ व्यवस्था करते हैं, तो आज तक कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे गाँव में पार्टीबाजी नहीं है किसी प्रकार की भी। हाँ धनराज नंबरदार, नंबरदार सब यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है लगातार आप करवा रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल यहाँ से बच्चियाँ कैसे किस तरीके का माहौल मिलता है और जो बच्चियाँ यहाँ से खेल के जाती हैं कितना खुश होकर जाती हैं? कई बार अक्सर देखा जाता है प्रतियोगिता जरूर करवाते हैं गांव में परंतु वो अपना भेदभाव अपनाने लग जाते हैं उसके बाद। नहीं जी ये हमारा कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं करते हम, हमारा कमेटी का फैसला होता है, कोई भी भेदभाव होता है तो ग्राउंड में हम कमेटी हमारा फैसला लेती है। गाँव में बढ़िया सहयोग है, सब मिलजुल के लड़कियों की सुरक्षा करते हैं, कमेटी बना रखी है, लड़कियों की सुरक्षा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, अच्छा मुझे आप बताइए जी कितनी तारीख को हर साल प्रतिवर्ष कितनी कौन सी डेट को मनाएं? 14 और 15 ये ही जी फिक्स डेट है, बिल्कुल प्रतिवर्ष 14 और 15 फिक्स डेट है, 49 साल होली यही डेट रहती है।
कल लड़कों का मैच है इसी तरह से। हाँ जी, तो तीन दिन चलती है? तीन दिन चलती है। ठीक है, तो समापन तीन दिन के बाद इकट्ठी इनाम वितरित की जाती है? नहीं, लड़कियों का इनाम आज ही वितरण करेंगे और लड़कों का कल करेंगे। तो हमारे साथ ये कमेटी सदस्य मौजूद थे चंदनी गांव के, इनका साफ कहना है यहाँ पे लगभग 50 वर्षों से प्रतियोगिता करवाई जा रही है, पूरे गांव का सहयोग रहता है, जो यहाँ जो रोजगार कर रहे हैं बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं उनका विशेष का सहयोग इस गांव का रहता है, पूरा गांव एक मुश्त होकर प्रतियोगिता करवाता है और यहाँ से दूर दराज आने वाले प्लेयरों के लिए लड़कियों के लिए विशेष सुरक्षा दी जाती है, खाने पीने का बंदोबस्त भी उनका अच्छी तरीके से किया जाता है, रात को अगर रुकना चाहे उनके लिए भी व्यवस्था होती है और यहाँ पर बहुत सलीके से प्रतियोगिता करवाई जा रही है, कोई भेदभाव बरता नहीं जाता। तो इस बार आप क्या सोचते हैं कॉमेंट में अपना जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज 24 पहुंचे, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।